बॉलीवुड से लेकर छोटे पर्दे तक संस्कारी बाबूची का किरदार निभाने वाले आलोकनाथ भी मीटू का शिकार हो गए हैं। सीरियल लेखिका विंता नंदा ने आलोकनाथ पर आरोप लगाए थे कि 20 साल पहले उन्होंने पार्टी से घर छोड़ने के बहाने गाड़ी में बिठाकर अश्लील हरकत करी थी। तो इस मामले पर आलोकनाथ ने अपनी चुप्पी तोड़ दी। उन्होंने इस पूरे मामले पर कहा है कि कुछ लोग कहेंगे, यहाँ तक इस पूरे मामले पर उनका कहना है कि बलात्कार तो हुआ होगा लेकिन किसी और ने ये किया होगा। एबीपी न्यूज चैनल से बात करते हुए आलोकनाथ ने कहा कि मैं इस आरोप में ना तो नकारता हूं और ना ही कोई प्रतिक्रिया देना चाहता हूं, क्योंकि इस मामले पर जितना बोलेंगे ये मामला उतना ही बढ़ेगा, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। वहीं आलोकनाथ ने महिलाओं पर सवाल खड़ा किया कि हम सिर्फ महिलाओं की सुनते हैं क्योंकि वो कमजोर होती हैं। बताते कि जब से मीटू ने भारत में कदम रखा है तब से कई बड़े नामचीन चेहरों के घिनौने चेहरे सामने आ रहे हैं। एसपी9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।